सवाल उठ रहा है कि क्या अब रद्द हो जाएगी इटली की ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी से हेलीकॉप्टर्स की बकाया लीज। जी हाँ, जिस तरह से इटली की जांच एजेंसी के अंदर खुलासा हुआ, जिस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है रिश्वत ली गई है, फिर वो बदल हुआ है नियम कायदे कानूनों में, उस बीच अब सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है कि इस डील को लेकर कुछ कड़े कदम उठाए, क्योंकि विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं तो सीबीआई भी तो आप ही के अधीन है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल तो शुरू कर दी, सीबीआई की एक टीम भी मामले की जांच के इटली जाने वाली है। 3,500 करोड़ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील की परतें खोलने के लिए आज तक की टीम भी इटली में मौजूद है। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर मची किचकिच सरकार के लिए किरकिरी बन चुकी है। हेलीकॉप्टर खरीद की सौदेबाजी में जब से करोड़ों की रिश्वत का खुलासा हुआ है, सरकार पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। आरोपों के संकट से बचने के लिए सरकार ने भी पहल शुरू कर दी और अब रक्षा मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर घोटाले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब रक्षा मंत्रालय ने अगस्टा वेस्टलैंड की 12 AW101 हेलीकॉप्टरों की डील को रद्द करने की पहल शुरू कर दी है। इन्हें वीवीआईपी इस्तेमाल के लिए खरीदा जा रहा था। सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड को औपचारिक तौर पर कारण बताओ नोटिस भेजा है और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। रक्षा मंत्रालय पहले मैकेनिका कंपनी को मिलने वाली अग्रिम रकम बुधवार को रोक चुका है। सीबीआई ने भी अपनी एक टीम को इस मामले में जांच के लिए इटली भेजने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला शायद इसलिए भी लिया है क्योंकि जब से सरकार ने इस सौदेबाजी में रिश्वतखोरी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, उसी वक्त से विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सीबीआई वही करेगी जो सरकार चाहेगी। इटली की कंपनी फिन मैकेनिका के साथ रक्षा हेलीकॉप्टर करार में कथित घोटाले की जांच से जुड़ी सूचनाएं इटली के पास है और मिलान में कंपनी के प्रमुख को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सूचनाएं हासिल करने के लिए एक बार फिर इटली से आग्रह किया है। जिस तरीके से सरकार अब सौदेबाजी में हुई रिश्वतखोरी की जांच को लेकर तेजी दिखा रही है, उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।